नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 11.1 इसका पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो बच्चों इसकी एक रफ फिगर हम बना के पहले देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले हमें एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इस वीडियो से पहले आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें कि हमने एक उदाहरण के साथ ये एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना सिखाया था वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत डिटेल में इसको बनाना और इसके स्टेप्स लिखना समझ आएगा। उसके बाद आप इस प्रश्न को कीजिए। 7.6 सेंटीमीटर है, सबसे पहले हम रेखाखंड बनाएंगे और उसके बाद हम बीच में एक बिंदु लेंगे जो कि इसको 5:8 में, तो 5 इधर, 5 हिस्से इधर होंगे, 8 हिस्से इधर होंगे, तो 5:8 में इस प्रकार से यह है 5:8 में यह विभाजित होगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हम स्केल लेंगे और एक पेंसिल लेंगे। मैं स्केच से कर रहा हूं लेकिन आपने ये काम पेंसिल से करना है, स्केच इसलिए ताकि आपको दिखाई दे आसानी से। सबसे पहले हमें रेखाखंड की लंबाई दी गई है 7.6 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर शून्य से अंकित करेंगे शून्य को और 7.6। तो देखिए बच्चों मैं इसको जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, 7.6 ये है 7, उसके बाद ये छोटी लाइन है 5, तो ये हो गया 7.1, 2, 3, 4, 5 और अगली लाइन है 6, तो 7.6 बच्चों होगा ये बिंदु, ये जो हमने बनाया ये 7.6 है। हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक रेखाखंड आ जाएगा। हो सकता है स्केच की वजह से ये थोड़ा सा इधर उधर फैल जाए, तो आपने लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट ही बनाना है। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक्यूरेट ही बनाकर दिखाऊंगा। अब इसके बाद हमने ये एक रेखाखंड लिया है अभी 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों, इसका नाम ए और बी। अब बच्चों हमें क्या करना है, आपको याद होगा हमने पिछले उदाहरण में भी किया था, हमने ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाना है, हमने ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाना है। तो वो न्यून कोण किधर को भी हो सकता है, तो हम थोड़ा इधर को बना रहे हैं क्योंकि इधर को हमारे पास ज्यादा जगह होगी। तो इस प्रकार से ये बन गया ए पर एक न्यून कोण, ठीक है बच्चों। बच्चों अब हमें क्या करना था, आशा करता हूं ये आपको याद होगा। अब हमने इस न्यून कोण पर देखिए अनुपात दिया है 5:8, तो इन दोनों संख्याओं को जमा कर दो, 5+8 कितना हो गया, 5+8 होता है 13। इसका मतलब हमने यहां पर 13 निशान लगाने हैं, यानी 13 चापे लगानी है। तो बेटा 13 चापों के लिए बहुत ज्यादा जगह लगेगी, इसलिए आप क्या करोगे, ये त्रिज्या कम से कम खोलोगे, कम से कम, ताकि कम जगह में ही 13 चापे लग जाए। अब हम ध्यान से यहां 13 चापे लगाएंगे, फटाफट से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आशा करता हूं ये 13 हो जाएंगी पूरी, 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये 13 चापे हमने लगाई हैं। हो सकता है हमसे कोई गलती होगी हो, तो आगे बढ़ने से पहले हम इनके नाम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखो इनके नाम हम लिखते हैं A1, A2, A3, इससे पता चल जाएगा 13 हुई या नहीं, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की है और यहां पर एक बिंदु आ जाएगा X, उसका नाम दे देंगे। अब बच्चों अगला स्टेप क्या था, याद है आपको कि हम आखिरी वाले A13 बिंदु से B को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने लिया स्केल और हम A13 से B को ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब अगला काम क्या है बच्चों, हमने देखना है अनुपात में पहले कौन सी संख्या दी है, 5, तो हम क्या करेंगे, इनमें से पांचवा बिंदु लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी A5 बिंदु लेंगे और हम क्या करेंगे बच्चों, A5 पर
ये जो लाइन आई है ना ए तेरह बी, ये वाली जो लाइन है इसके समांतर यहां एक लाइन खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करना है, हम इस कागज को थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि हमें चापे बनानी आसान रहे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, ए तेरह पर मैं चाप रखूंगा, प्रकार रखूंगा, और इस प्रकार से एक चाप लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, कहां तक आई, ये जो लाइन थी ना ए एक्स, ए तेरह पर मैंने पिन रखी और इस प्रकार से यहां से शुरू करते हुए ये जहां तक आपकी ये वाली लाइन है वहां तक इस चाप को बढ़ाया। तो इसी प्रकार से ये हम रखेंगे ए पांच पर और इसे इस ए एक्स वाली लाइन से शुरू करते हुए और आगे तक बढ़ा देंगे लाइक दिस। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस बिंदु से ये बिंदु की दूरी मापनी है। तो क्या करेंगे, पिन यहां रखी और इस प्रकार को इतना खोलना है ताकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता लग जाए। इस तरह से देखो, यहां पे पिन रखी और प्रकार उतनी खोल लेनी है ताकि पेंसिल यहां तक आए। इतनी ही त्रिज्या को हिलाना नहीं है प्रकार को, यहां पे पिन रखी और इसको यहां काट दो। तो अभी हमें पिछले वाली चाप को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर से इसको मापकर जितनी आपने पहली चाप लगाई थी ना उतनी ही चाप हमने यहां लगानी है। इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, तो ये जहां पर भी ये दो बिंदु मिल रहे हैं ये जो है, एक सेकंड हम इस चाप को थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, ये यहां आके मिलेगा बच्चों, देखो ये हम थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये जब यहां आके मिलेगा तो ये बिंदु हमारे पास आएगा और हम इसको क्या करेंगे, ए पांच के साथ इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा इस प्रकार से बना देंगे। या पिछले वाली चाप को नहीं देखना बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ थी, ये चाप जो है ये इस प्रकार से यहां आई, यहां ये पिछली चाप से मिल रही थी, तो ये बिंदु हमें प्राप्त होगा, ये वाला बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु के साथ हम ए पांच को आगे से बढ़ा देंगे और इससे क्या होगा बच्चों, इससे ए तेरह बी के समांतर ये लाइन आई है, ये लाइन जहां ए बी को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को ले दो, दे दो नाम पी। ठीक है बच्चों, अब हमें कहा गया एपी और पीबी को मापो। ठीक है बच्चों, तो एपी और पीबी को हम माप कर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आइए मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं कि ये कितने कितने आ रहे हैं, थोड़ा सा कम जूम करते हैं इसको। हाँ, अब देखिए एपी जो है ये आ रहा है शून्य एक दो तीन से एक पहले। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो जाएगा दो दो पॉइंट पांच छ सात आठ और नौ, यानी जो दूरी एपी है वह आई है 2.9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि दूरी पी बी निकाले हम, तो देखिए यह दूरी आ रही है चार एक दो तीन चार पांच छह और सात, यानी 4.7 सेंटीमीटर। पी बी दूरी आ रही है 4.7 सेंटीमीटर। तो देखा बच्चों आपने, हमने इस प्रश्न में 7.4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया ए बी और उस पर हमने एक न्यून कोण बनाया बी ए एक्स। ठीक है, और उस पर हमने 5:8 अनुपात दिया था, तो 5 + 8 होता है 13, तो 13 चापे बराबर दूरी पर लगाई हैं ताकि ए ए वन बराबर होगा ए वन ए टू के, बराबर होगा ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर, ए फोर ए फाइव, ए फाइव ए सिक्स, ये सारी एक दूसरे से बराबर दूरी पर लगी हैं। उसके बाद हमने ए तेरह को बी के साथ ज्वाइन किया और ए पांच पर ए तेरह बी के समांतर एक रेखा खींची। यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, स्केच पेन था, मैं मिटा नहीं सकता था, लेकिन आप इसको ठीक तरह से कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये ए पांच वाली जो रेखा है इसके समांतर वाली,
ये ए बी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वह बिंदु होगा पी, तो हम मानेंगे कि एपी, यहां एक बात हम लिख देते हैं, एपी अनुपात पीबी यह बराबर होगा 5:8 के, जिसमें कि एपी है 2.9 सेंटीमीटर और पीबी है 4.7 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों एक चीज मैंने आपसे पिछले वीडियो में समझाया था, आपने जो भी रचना यहां की है उसके यहां पर स्टेप्स लिखने होते हैं, तो ये स्टेप्स आपने स्वयं लिखने हैं, लिखने जरूर हैं, छोड़ने नहीं हैं। देखिए पहला स्टेप, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप, बी ए एक्स कोई भी एक न्यून कोण बनाओ। तीसरा स्टेप, ए एक्स पर बराबर त्रिज्या लेकर 13 चापे लगाओ, ठीक है। चौथा स्टेप होगा, ए 13 को बी से ज्वाइन करो। पांचवा स्टेप होगा, ए 5 पर ए 13 बी के समांतर एक रेखाखंड खींचो ताकि वह ए बी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अगला स्टेप होगा, ए 5 पी को ज्वाइन करो, ठीक है। और अगला स्टेप होगा, ए पी अनुपात पी बी 5:8 के बराबर है, एपी और पीबी को मापो, यह अगला स्टेप होगा। फिर माप हमने बता देना है, एपी बराबर 2.9 सेंटीमीटर और पीबी बराबर 4.7 सेंटीमीटर है। ये मैंने आपको रचनाओं के स्टेप्स एक एक करके बोल के समझा दिए हैं, ये सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं। याद रखिएगा बच्चों, सिर्फ रचना करने के नंबर नहीं होते, रचना के स्टेप्स बताने के भी नंबर होते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रचना बना देते हैं, इसीलिए उनको मार्क्स नहीं मिलते पूरे। आपने रचना के साथ साथ उसके स्टेप्स भी लिखने हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अब हमसे बच्चों पूछा गया है कि इस रचना का औचित्य क्या है, कि कैसे आप इसको सिद्ध करोगे कि ये इनका अनुपात जो है यह 5:8 है। तो देखिए, हम दो त्रिभुज लेते हैं, ए पी ए फाइव, ए पी ए फाइव, और दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं ए बी ए 13। यानी ये एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। इसमें यह जो लाइन है ए 5 पी, ये हमने समांतर दिखाई है बी ए 13 के, यानी ए 13 बी के, है ना। तो इस त्रिभुज में बीपीटी प्रमेय लगा दो, बीपीटी प्रमेय क्या कहेगी, एपी बटा पीबी बराबर होगा ए ए 5 बटा ए 5 ए 13 के, है ना बच्चों। यही था ना बीपीटी प्रमेय, क्या थी, यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं पर किन्हीं दो बिंदुओं को इस प्रकार से मिलाया जाए कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगा तो ये अनुपात जो है वे बराबर होंगे, है ना बच्चों। तो एपी बटा पीबी बराबर होगा ए ए 5 बटा ए 5 ए 13। अब ये कितनी दूरी है, देखिए 5 इकाइयां है ना, 1 2 3 4 5 है, तो ये ए ए 5 हो गया 5 इकाइयां, और ए 5 से ए 13 होगी 8 इकाइयां। देखो 1 इकाई 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयां, तो ये हो गया 8। तो इसका मतलब एपी अनुपात पीबी किसके बराबर होगा, 5:8 के बराबर होगा। यह है इसका औचित्य, और ये औचित्य आपने अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन में पूछा गया है, आप रचना का औचित्य बताइए। तो यह है इसका औचित्य। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपको आ जाए तो इसी प्रकार से आप उसमें रचना करेंगे, रचना के स्टेप्स लिखेंगे और रचना का औचित्य समझा देंगे। मैं आपको साथ के साथ यह भी जानकारी दे दूं कि इस वर्ष के लिए आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से 7 आपके सिलेबस से सीबीएसई द्वारा हटा दिए गए हैं। तो इस एक्सरसाइज से केवल एक ही प्रश्न है जो आपके सिलेबस में है, वह ये होगा
ये एक रेखाखंड दिया होगा और उसको किसी दिए गए अनुपात में आपको विभाजित करना होगा। यही आपको 11.1 में सीखना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बटो, इसके अलग अलग कहीं लंबाई गलत बदल दी जाएगी, कहीं अनुपात बदल दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न का तरीका बिल्कुल सेम है। तो यदि आप सिर्फ इस एक तरीके को समझ लेते हैं तो इससे आप 11.1 बड़े आराम से समझ जाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका आपको अच्छे से समझना है बस। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न, यह तरीका बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आप बाकी रचनाओं के बाकी प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उनको अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।